हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद देव। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो बायोलॉजी का चैप्टर चल रहा है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स से आगे पढ़ेंगे अपन। क्लास नंबर सेकेंड है आज। इससे पहले एक क्लास में कल करवा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी हो जो जाकर देख लेना, ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इस क्लास में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको मैं कुछ पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं हम, तो आपके लिए मैं एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ। उस व्हाट्सअप नंबर पर आप सभी मैसेज करना, बट व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करने से पहले आपको कुछ रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। आपको जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक चैनल की लिंक मिलेगी, उस चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन बटन ऑन करना होगा। इसी के साथ साथ इस चैनल के भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ऑन करके आप जो नंबर मैं देता हूँ उस नंबर पर अगर आप व्हाट्सअप करते हो तो आपको बहुत सारी पीडीएफ व्हाट्सअप कर दी जाएगी। उसमें मॉडल पेपर भी शामिल है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शामिल रहने वाली है। तो 8955465504 इस नंबर पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है। मैंने पहले वाले वीडियो में यहाँ 6 बता दिया था, जो क्लास ली थी फिजिक्स की उसमें यहाँ पे 6 बता दिया था, तो सॉरी उसके लिए, लेकिन यहाँ 0 है। तो इस नंबर पर आपको मैसेज करना है ताकि आपको बहुत सारे सोल्ड पेपर मिल जाएंगे और बहुत सारे MCQ PDF वगैरह सब कुछ आपको वहाँ प्रोवाइड कर दी जाएगी बिल्कुल फ्री में। तो सभी स्टूडेंट्स जाकर मैसेज ज़रूर करना, और उनके लिए आपको कंडीशन यही है कि आपको दोनों चैनल के जो चैनल सब्सक्राइब करके उनके स्क्रीनशॉट लेके वो आपको सेंड करना है, ठीक है। चलिए अगले किस आज स्टार्ट करते हैं। एकल जीव की वंशानुगति यानी कि एकल एक संकर के क्रॉस के बारे में अपन बात करेंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करने वाले। तो ये क्या होता है, किसी जीव में एक बार में एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन करना एक संकर क्रॉस कहलाता है। किसी जीव में एक बार में एक संकर वंशानुगति का अध्ययन करना एक संकर क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, एक संकर क्रॉस कहलाता है। लक्षण प्रारूप या मेंडेलियन अनुपात, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि द्विसंकर क्रॉस का मेंडेलियन अनुपात बताएं या लक्षण एक संकर क्रॉस का लक्षण प्रारूप या मेंडेलियन अनुपात बताएं। तो लक्षण प्रारूप जो होता है इसे मेंडेलियन अनुपात भी बोला जाता है। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा कि मेंडेलियन अनुपात किसे बोला जाता है, वास्तविक अनुपात किसे बोला जाता है। तो जो आपका लक्षण प्रारूप होता है एक संकर के लिए वो कितना होता है, 3:1 होता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है हर चीज़, मैंने कल क्वेश्चन भी करवाया था घातक जीन वगैरह के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका मेंडेलियन अनुपात होता है वो कितना होता है, 3:1 होता है। जो आपका लक्षण प्रारूप होता है वही मेंडेलियन अनुपात या लक्षण प्रारूप एक ही बात है। एक संकर क्रॉस के लिए 3:1 होता है। याद रखना सभी स्टूडेंट्स, आप सभी को याद होने जाना चाहिए कि एक संकर के लिए जो लक्षण प्रारूप यानी कि फिनोटाइप जो होता है वो एक तीन। हेलो बच्चों, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तो आप सबके लिए एक गुड न्यूज, डाउटनेट ऐप लाया है आप सबके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यानी अब आप हमें से हर बच्चा अंग्रेजी बोल सकता है, और साथ ही इस कोर्स के अंत में आप सबको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो अभी जाइए और डाउटनेट ऐप पर यह कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और इतना टॉप क्वालिटी का कोर्स सिर्फ डाउटनेट पर मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में। 3:1 होता है, या जो मेंडेलियन अनुपात होता है वो कितना होता है, 3:1 होता है। आगे बात करते हैं एक जीव की वंशानुगति यानी कि एक संकर क्रॉस के लिए जीन प्रारूप क्या होगा। जीन प्रारूप जिसे बोला जाता है जीनोटाइप, तो जीनोटाइप जो आपका होता है 1:2:1 होता है। क्या होता है जीनोटाइप, ये होता है 1:2:1 होता है। इसे वास्तविक अनुपात भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक वास्तविकता होती है, इसे वास्तविक अनुपात भी बोला जाता है, ठीक है। कौन से अनुपात को यानी कौन से प्रारूप को या कौन से टाइप को वास्तविक अनुपात बोला जाता है, तो जीन प्रारूप को वास्तविक अनुपात बोला जाता है। एक संकर क्रॉस के लिए जो वास्तविक अनुपात होता है वो कितना होता है, या जीनोटाइप कितना होता है, 1:2:1 होता है। आगे अपन बात करते हैं एक संकर क्रॉस के निष्कर्ष कैसे निकालते हैं। तो एक संकर क्रॉस के जो निष्कर्ष निकल कर आए थे वो आए थे कि प्रभाविता का सिद्धांत, जो प्रभाविता का सिद्धांत, इसमें प्रभाविता का सिद्धांत में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है आपको। लक्षणों का निर्धारक कारक नामक विविक्त इकाइयों द्वारा होता है, यानी कि जो लक्षणों का निर्धारण होता है वो कारक, यानी कारक किसको बोलते हैं, जीन को बोलते हैं। अपने कल पढ़ा था फैक्टर किसको बोलते हैं, जीन को बोलते हैं। नामक विविक्त डिस्क्रिप्ट यानी कि विविक्त इकाइयों द्वारा क्या होता है, इकाइयों द्वारा होता है। लक्षणों का निर्धारण किसके द्वारा होता है, विभिन्न कारक जैसे कारकों के द्वारा निर्धारण होता है। कारक जोड़ों में होते हैं, जो आपके जीन होते हैं वो कैसे होते हैं, कारक जोड़ों में होते हैं। जैसे TT हो गया, स्मॉल टी हो गया, कैपिटल TT स्मॉल टी हो गया। तो अपन को ये पता है कि ये किस में होते हैं, जोड़ों में होते हैं, ठीक है।
कारक के एक असमान जोड़े में, कारक के एक असमान जोड़े में एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है। यानी कि मान लो ये असमान जोड़ा, ये एक विषम युग्मजी है, इसमें कौन सा प्रभावी होगा, तो कैपिटल टी इसमें प्रभावी होगा और ये रिसेसिव यानी कि अप्रभावी होगा। तो कारकों के असमान जोड़े में एक कारक दूसरे कारक पर क्या होता है, प्रभावी होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी, जो एक विषम युग्मजी का जो एक जोड़ा होता है, असमान कारकों का जो जोड़ा होता है, उसमें एक कारक क्या होता है, प्रभावी होता है और एक अप्रभावी होता है। एक प्रभावी अलील जंगली प्रकार का वाइल्ड टाइप का टाइप तथा अथवा अरूपांतरित अलोल होता है, जो सामान्यतः एंजाइम एवं प्रोटीन बनाता है जिससे लक्षण का निर्माण होता है, यानी कि जो प्रभावी होता है उस प्रभावी से, मान लो अभी टी और स्मॉल टी, तो इसमें लंबा होगा क्योंकि ये लंबाई के फिनोटाइप के जीन है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें एक जो प्रभावी कौन सा लंबा हो रहा, तो इसमें जो पौधा होगा क्या लंबा होगा, इस प्रकार इसमें क्या ये इसमें जिससे लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो प्रभावी वाले के लक्षण उत्पन्न होते हैं। एक रूपांतरित अलील एक उत्परिवर्तित अलील है, जो कि कम सक्षम एंजाइम अथवा अक्रियाशील एंजाइम अथवा कोई एंजाइम का निर्माण नहीं करता, अतः यह अप्रभावी अलील होता है। यानी कि जो आपका रूपांतरित एक अलील दूसरा होता है वो अप्रभावी होता है, ना तो क्रियाशील होता है एंजाइम होता है, वो कुछ भी काम नहीं करता, वो अलील क्या कहलाता है, अप्रभावी अलील कहलाता है। मतलब कुल मिला के बोलने का मतलब है, प्रभाविता का नियम का कहने का मतलब यही है कि एक जीन दूसरे जीन पर बारी होता है, प्रभाविता का नियम यही कहता है। पृथक्करण या विसंयोजन का नियम, देखते हैं क्या है। इस नियम का आधार यह तथ्य है कि अलील आपस में सम्मिश्रण नहीं करते, तथा ये अपन पीढ़ी में दोनों लक्षणों के कि फिर से अभिव्यक्त हो जाती है। यानी कि F1 पीढ़ी में क्या होता है, दोनों लक्षण की फिर से अभिव्यक्त हो जाती है। पृथक्करण या विसंयोजन का नियम यह कहता है कि इस नियम का आधार यह तथ्य है कि अलील आपस में क्या सम्मिश्रण नहीं करते, सम्मिश्रण मतलब आपस में मिलते नहीं है, वो F2 पीढ़ी में दोनों लक्षणों के लिए फिर से अभिव्यक्त हो जाते हैं। यानी कि F1 पीढ़ी में तो अलग अलग होते हैं, लेकिन वापस F2 पीढ़ी में वापस दोनों लक्षणों के लिए सम्मिश्र अभिव्यक्त हो जाते हैं। यद्यपि जनकों में दोनों अलील विद्यमान होते हैं, युग्मक बनने के समय कारक अथवा एलील्स के जोड़ों के सदस्य विसंयोजित हो जाते हैं और युग्मक दो में से एक ही कारक प्राप्त होता है। युग्मकों को दो में से केवल एक ही कारक प्राप्त होता है, अतः युग्मक हमेशा शुद्ध होता है। अतः युग्मक क्या होता है, हमेशा शुद्ध होता है। F2PD में प्राप्त 3:1 मुख्यतः पृथक्करण के कारण ही होता है। यानी कि F2PD में जो 3:1 होता है वो मुख्यतः किसके कारण होता है, मुख्यतः पृथक्करण के कारण ही होता है। इसे प्रभाविता का भी योगदान होता है, इसमें प्रभाविता का भी क्या होता है, योगदान होता है। किसमें, पृथक्करण के विसंयोजन के नियम में प्रभाविता का भी योगदान होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो लाइक कर देना, करो तो, नहीं करो तो आपकी मर्जी। दो जीनों की वंशानुगति यानी कि द्विसंकर के बारे में हम बात करते हैं, तो किसी जीव में दो लक्षणों की वंशानुगति का एक साथ अध्ययन करना द्विसंकर कहलाता है। यानी कि किसी जीव में दो लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन करना द्विसंकर कहलाता है। जो द्विसंकर क्रॉस होता है, जिसका लक्षण प्रारूप क्या होता है, 9:3:3:1 होता है। किसका लक्षण प्रारूप, किसका, द्विसंकर क्रॉस का ये होता है। तो ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट यही चीज़ है और बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। द्विसंकर क्रॉस में जो जीनोटाइप होता है 1:2:1:2 यानी कि 121, 242, कुल मिला के इसको डबल करो या इसको डबल करो, बीच में 242 आपको लाने, एक साइड पे 121, बीच में 242 आपको लिख देने, आंसर आपका आ जाएगा। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप कौन दो निष्कर्ष अपने पास कौन सा निकलता है, जैसे कि आप सभी को पता है प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का जो नियम था वो एक संकर क्रॉस के फलस्वरूप निकला था, तो द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप कौन कौन सा बनेगा, तो द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस नियम के अनुसार जब किसी संकर में लक्षणों के दो जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़ी के लक्षणों का विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र
दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है, यानी कि स्वतंत्र अपयन का विनिमय होता है कि इस नियम के अनुसार जब किसी संकर लक्षणों के दो जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़ी लक्षणों का विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। प्रत्येक लक्षण एक संकर पैटर्न में ही वंशानुगत होते हैं, यानी कि जो प्रत्येक लक्षण होता है वो एक संकर पैटर्न यानी कि 3:1 में ही वंशानुगत होते हैं। यह नियम केवल तभी लागू होगा जब दोनों लक्षणों के जीन प्रत्यक्ष समझात गुणसूत्रों पर उपस्थित होंगे। क्या होता है, प्रत्यक्ष समझात गुणसूत्रों पर उपस्थित होंगे, बातें आपको ध्यान रख लेनी है। कुछ ज़्यादा खास चीज़ नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी जो आपने देख ली है। कोई क्लास का आज मूड नहीं था, बट कोई ना ले ली। PDF जरूर डाउनलोड कर लेना, PDF के लिए आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिए हमने, उस नंबर पर जाकर आप मैसेज कर देना, आज ही मैसेज करना। अगर किसी ने कॉल करने की कोशिश की तो उसको PDF नहीं मिलेगी, एक बात मैं पहले बता दूं, अगर उस नंबर पर कोई कॉल करता है, व्हाट्सअप कॉल करता है, तो उसको PDF नहीं मिलेगी, डायरेक्ट ब्लॉक किया जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण सूत्र है, केवल स्वपरागण की स्थिति में ही लागू होता है। ये सूत्र कहाँ पर लागू होता है, सेल्फिंग यानी कि स्वपरागण की स्थिति में लागू होता है। 2N युग्मकों के प्रकार के लिए लक्षण प्रारूप निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करना है, जीन प्रारूपों के लिए इसका, और कुल संभव युग्मनजों की संख्या इस फॉर्मूले के थ्रू हम निकाल सकते हैं, N विषम युग्मनजी जोड़ों की संख्या होती है। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में अपन देख लेते हैं, फिर इसके बाद इस क्लास को अपन आज ही खत्म करेंगे। ठीक है, जो जीन के अंतःक्रिया है इनके बारे में अपन कल वाली क्लास में बाद में पढ़ेंगे, आज इतना ही हम पढ़ के इसको यहीं ख़त्म करते हैं। सबसे पहला आता है आपका संकर बैक क्रॉस यानी कि संकर क्रॉस, संकर पूर्वज क्रॉस। तो F1 संतति का उनके किसी भी जनक से, F1 संतति का क्या करवाना, उनके किसी भी जनक से क्रॉस संकर पूर्वज क्रॉस करवाना। जो F1 पीढ़ी में जो भी अपन को जो भी प्राप्त होते संतति, उस संतति का F1 पीढ़ी के जो जनक होते हैं उनसे संकर करवाना, संकर पूर्वज क्रॉस कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। कौन कौन सा होता है, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस होता है, और एक होता है व्युत्क्रम क्रॉस। पहले बात करते हैं आउट क्रॉस कौन सा होता है, F1 संतति का, याद रखना इंपॉर्टेंट है, F1 संतति का, F1 पीढ़ी का, पीढ़ी की संतति का किसके साथ क्रॉस कराना है, सम युग्म की प्रभावी जनक से, यानी कि सम युग्म की, सम युग्मी प्रभावी जनक, यानी कि ये कुल मिला के यही है कि अगर प्रभावी जनक कौन सा, जैसे अपन ने ये लिया TT लिया और एक ही लिया, तो इसमें प्रभावी कौन सा होगा, प्रभावी ये वाला प्रभावी होगा, तो इससे अपन को करवाना है। F1 PD के जो भी जनक होगा उसका, जो भी संतति है उसका, इससे संयुग्म की प्रभावी जनक से क्रॉस कराना, इससे F1 संतति के जीन प्रारूप का पता लगाया जा सकता है। इससे क्या होता है, F1 संतति के जीन प्रारूप का पता लगाया जा सकता है। लक्षण प्रारूप जो रहता है किसका, आउट क्रॉस का, आउट क्रॉस का जो लक्षण प्रारूप रहता है वो कितना रहता है, 1:1 आता है। क्या आता है, 1:1 आता है एक संकर के लिए। जीन प्रारूप क्या आता है, सॉरी 1:1 ही आता है, और लक्षण प्रारूप क्या आता है, लक्षण प्रारूप यही आएगा उसका, सभी प्रभावी हमें देखने को मिलेंगे, सभी प्रभावी ही हमें देखने को मिलेंगे। यानी चाहे आप कोई सी भी से भी कराओ, चाहे अगर आप F1 PD की किसी भी PD से इसका संकरण करवाते हो, किसका, अगर F1 PD का संयुग्म, F1 PD के जो भी संतति है उसका संकरण F1 PD के जनकों से कराते हो, तो हमें हमेशा सभी प्रभावी लक्षण प्रारूप प्राप्त होंगे। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, F1 संतति का संयुग्म की अप्रभावी जनकों से, जैसे TT से उनका क्रॉस करवाना, मतलब अप्रभावी जीन से उनका क्रॉस करवाना, जनकों से क्रॉस करवाना परीक्षण क्रॉस कहलाता है। इससे F1 PD की संतति का जीन प्रारूप पता लगाया जा सकता है। उसे क्या किया जाता था, इससे F1 PD की संतति का जीन प्रारूप पता लगाया जा सकता है। लक्षण प्रारूप जो होता है 1:1 होता है, और उसका जीन अनुपात होता है वो भी 1:1 ही होगा। ठीक है, लास्ट में बात करते हैं, लास्ट में आज व्युत्क्रम क्रॉस की बात करते हैं, तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। जो रेसिप्रोकल क्रॉस होता है वो इस प्रकार होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब क्या होता है कि क्रॉस का जोड़ जिसमें नर व मादा पेत्रकों को आपस में बदल दिया जाता है। व्युत्क्रम क्रॉस में क्या होता है, जो नर और मादा पेत्रक होते हैं उनको आपस में बदल दिया जाता है, क्रॉस का ऐसा जोड़ा जिसमें नर और मादा पेत्रों को आपस में बदल दिया जाता है, तो इसे व्युत्क्रम क्रॉस बोला जाता है। मेंडल को अपने क्रॉस में व्युत्क्रम क्रॉस के परिणाम हमेशा सम्मान ही प्राप्त हुए, चाहे नर और मादा को अगर आप एक्सचेंज करके देखोगे तो भी उन्होंने हमेशा ही सम्मान ही परिणाम
प्राप्त होते हैं। अब मैं आपको इनको क्वेश्चन बताता हूँ कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो मैं पहले नीचे से ऊपर चलता हूँ, वापस इधर से ऊपर चलता हूँ, किस प्रकार के इस यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। इस लाइन से क्वेश्चन बनेगा कि मेंडल ने कौन सा क्रॉस करवाया था, मेंडल ने कौन सा क्रॉस करवाया था जिसमें उसे हमेशा सम्मान्य परिणाम प्राप्त हुए थे। तो व्युत्क्रम क्रॉस, या मेंडल ने जो व्युत्क्रम क्रॉस करवाए थे उससे उसे हमेशा कौन से परिणाम प्राप्त हुए थे, तो हमेशा सम्मान्य परिणाम प्राप्त हुए थे। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस जो होता है यानी कि व्युत्क्रम क्रॉस जो होता है, व्युत्क्रम क्रॉस में नर और मादा को आपस में क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। इसके अलावा जो आपका टेस्ट क्रॉस होता है, टेस्ट क्रॉस में इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये रखनी है, टेस्ट क्रॉस में ये करना है कि अपन पीढ़ी की संतति का क्रॉस अप्रभावी जनक से करवा देना, अपन पीढ़ी की संतति का क्रॉस अप्रभावी जनक से करवा देना। लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप दोनों क्या होते हैं, 1:1 ही होते हैं। बात करते हैं आउट क्रॉस में क्या होता है, अपन पीढ़ी की संतति का क्रॉस प्रभावी जनक से करवा देना, इसका जो जीन प्रारूप होता है वो भी 1:1 ही होता है, किसका, आउट क्रॉस का। स्वतंत्र अपव्यून का नियम क्या होता है, इसके अनुसार जब किसी संकर के लक्षणों को दो जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़ी लक्षण का विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। आपको ये ज़्यादा नहीं देना, बस ये याद रखना द्विसंकर क्रॉस का निष्कर्ष कौन सा है, तो स्वतंत्र अपव्यून का नियम द्विसंकर क्रॉस का निष्कर्ष है। और दोनों जीनों में वंशानुगति का जो होता है, दो मतलब द्विसंकर क्रॉस में जो लक्षण प्रारूप रहेगा वो ये रहेगा 9:3:1। इसके अलावा जो जीन प्रारूप रहेगा वो 121 बीच में आ जाएगा 242, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट की बात करते हैं अपन एक संकर क्रॉस की, तो एक संकर क्रॉस क्या बोलता है, एक संकर क्रॉस के निष्कर्ष दो निकल देंगे, तो प्रभाविता का नियम, एक स्वतंत्र अपव्यून विसंयोजन यानी कि पृथक्करण का नियम लागू होता है। और इसमें जो लक्षण प्रारूप होता है वो 3:1 होता है, और जो जीन प्रारूप होता है 1:2:1 होगा, ठीक है। तो ये बातें थी आपकी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ठीक है, नहीं तो आपके सामने डिसलाइक का ऑप्शन है, डिसलाइक करके आप जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेक केयर। एम्स बीएससी नर्सिंग एम्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा से भर रहे हैं, तो अगर आपने नहीं भरा हो, भरना चाहते हो या कोई पहले दिक्कत आ गई थी तो ज़रूर भर लेना, उस दिक्कत को सही करवा सकते हो आप। लास्ट आपके लास्ट चांस है, नेक्स्ट ईयर से नीट से होगा आपका बीएससी नर्सिंग का एडमिशन, चाहे वो आरएचएस हो चाहे एम्स नर्सिंग हो, हर जगह आपको नीट का देना ही पड़ेगा। तो आपके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपको हमारे इस तरफ से हेल्प मिलती है तो ठीक है। मैंने एक पोल लगाया, उस पोल का जरूर जवाब देना, केमिस्ट्री क्लास से रिलेटेड मैंने पोल आपके इस पे डाल रखा है, तो उस पोल का जवाब जरूर जवाब मिलना चाहिए मुझे, ठीक है। धन्यवाद।